लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहन वर्मा, तुम्हें बॉम्बे में चीफ सर्जन का पोस्ट, बंगला, गाड़ी और एक गोल्ड मेडल मिला है। बोलो क्या ख्याल है?
कर जाए। मैडम, पूरे सपनों का एक ही इलाज है, अच्छे सपनों को सच बनाना, प्यार करके। जैसा आप कहें डॉक्टर।
तुरंत पुलिस को फोन करो, इतना घर में कोई घुस आया। रुक! आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। तू मेरी बीवी को आगे नीचे ला, आगे नीचे डाल। ओके, कमान चला गया। तू मेरी बीवी को शाना मत, शाना मत बढ़। नहीं चेंज चाहिए, मैं तेरे को काटा लेगा। ए छोड़, तू मरेगी, तेरा गला काटा लेगा। रुक, सुन तू छोड़, चेंज नहीं। मेरे से बोलना नहीं, तेरा गला काटा लेगा। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सक्सेना, ये इंस्पेक्टर सुले हैं। हाय, आइए ना, आइए। मैं जरा, हाँ, इतनी जल्दी आने के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मैंने भी एक साल के लिए छोड़ दी थी, फिर सोचा इतनी टेंशन कौन पालेगा। थैंक यू। क्या हुआ यहाँ पर? इजी सुले, आराम से डॉक्टर वर्मा, आप पहले शांत हो जाइए। वो चोर तो कब का भाग चुका है। पता नहीं, चोर ही लगता था। उसने छुरा सुमन के गले पर, माय वाइफ ऊपर बेडरूम में, मैंने उसे कॉम्पोज की गोली दी। चोर बोला तो चोरी हुआ यहाँ पर? सोया होएगा तुम, झोपला तो संभला। समान गया कोई? नहीं, एक आवाज हुई और मैं नीचे आया और मैंने देखा कि इट्स ऑल राइट डॉक्टर, बात को दोहराकर अपने आप को और परेशान मत कीजिए। कल सुबह पुलिस स्टेशन पर आकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए। हैं? बस आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन सुमन, ये इंस्पेक्टर सोले हैं और हाय, ये सक्सेना, इंद्रजीत सक्सेना। हेलो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, हमारी ड्यूटी इसी एरिया में है, हम आपके घर पर खास नजर रखेंगे, एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू, मुझे लगा रिपोर्ट लिखवाकर एंड। हमें इतना भी हीरो मत समझिए डॉक्टर साहब, हम कभी कभी ये भी करते हैं। आप लोग कुछ लेंगे, चाय या कुछ? अब ड्यूटी पर क्या चाय पियेंगे मैडम? अगर आप तकल्लुफ जता रही हैं तो नहीं लेंगे। नहीं नहीं, तकल्लुफ की बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ नए हैं और ये सब, इस शहर में आप हमारे पहले दोस्त हैं। दो मिनट। रात के 2 बजे मिला, मगर मिला कोई ऐसा जो हम पुलिस वालों को भी इंसान समझता है। बैठिए ना, आइए। कौन? अरे मैं हूँ रोहन, सब ठीक तो है ना? विशाल, थैंक गॉड यार, कम। इज एवरीथिंग ओके? रिलैक्स यार, सब अंडर कंट्रोल है, सब ठीक। श्योर। तो फिर ये पैरानॉइड होना छोड़ दे यार, अबे चोर वैसे भी घंटी मार के नहीं आते, समझा? अब बता हुआ क्या? कुछ नहीं, तुझे सब बताता हूँ, सब अंडर कंट्रोल है। सब अंडर कंट्रोल है, ग्रेट। तूने रात को मुझे 2 बजे पूना से फोन करके ये कहने को बुलाया कि सब अंडर कंट्रोल है? क्या यार, अबे ऐसा सलूक ना तो कोई दोस्त के साथ करता है, ना ही वकील के। गुरु, मैं तो तेरा दोनों हूँ यार। अरे मिले तो सही। हाँ वो तो है, चल आज रात यहीं रुक जा। विशाल, अरे सुमन, तुम यहाँ?
बच्चे को नींद नहीं आती ना, लोरी सुनाने आया हूँ। चल 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 लोरी सुना चल। हैंसम है? अरे तुझे तो पता होना चाहिए, तू तो रोहन से मिल चुकी है। रोहन भाई साहब नहीं स्टुपिड, वो पुलिस वाला। हैंसम है या टिपिकल तोंदू एंड रूड, यू नो? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। फिर तो नहीं होगा। लेट्स गो। किताबें नहीं बेबीज, पहले अपनी स्माइल दिखाओ। फर्स्ट स्माइल, देन जैक एंजल। स्माइल? स्माइल क्यों टीचर? स्माइल का तो कोई एग्जाम ही नहीं होता। जब आप एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे ना। मैं तो बड़ी हूँ। अच्छा, कैसे पता आप बड़े हो? क्योंकि मैं स्माइल नहीं करती। लेकिन बेटे, स्माइल तो करनी चाहिए, वरना स्काई में स्टार्स कैसे शाइन होंगे? क्योंकि स्टार्स भी बच्चों के स्माइल से ही शाइन करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल। क्यों करते हैं स्टार्स शाइन? क्योंकि ओके बेबीज, लेट्स स्टार्ट। जैक एंजल went up the hill, to fetch a pail of water. Jack fell down, and broke his crown, and Jill came tumbling, after. Okay, let's start with twinkle twinkle now. Twinkle twinkle, twinkle twinkle, little star, little star. आ सकता हूँ मैडम? आप? I'm sorry, आप ड्यूटी का क्या बोलेगा मैडम? आप चलिए हमारे साथ। बात क्या है? प्लीज आइए। आप यहाँ क्लासरूम के बाहर क्या कर रही हैं मैडम? टीचर की स्माइल कहाँ चली गई? आपकी टीचर की स्माइल तो ढूंढनी पड़ेगी। बात क्या है? प्लीज मुझे बताइए तो। ये बैग आपका है? हाँ। ये बात है। What? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मिसेस वर्मा हमारे स्कूल की बेहतरीन टीचरों में से एक है। हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल है प्रिंसिपल साहब, पर इसका क्या करने का है? This is ridiculous. मिसेस वर्मा, हमारे पास बहुत से पेरेंट्स का कंप्लेंट है कि स्कूल कैंपस के अंदर ड्रग्स बेचे जाते हैं। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? आप मुझ पर इल्जाम? अभी तक कोई चार्जेस फाइल नहीं हुए हैं मिसेस वर्मा, हमारे हाथ जो भी सबूत लगे हैं उसी के बिना पर चल रहे हैं। This is really stupid. सर, आप सचमुच मानते हैं कि For God's sake, this is a frame up. ये मेरे हैंडबैग में कैसे है मुझे नहीं पता। Oh God damn it! अब गुस्से से क्या होएगा मैडम? मेरे को तो लगता है आप समझ ही नहीं पाई ये केस कितना सीरियस है। ओके, ओके, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? Oh come on! सिर्फ एक फोन कॉल से मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ? I'm sorry Mrs. Suman, मगर जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती हमें तुम्हें एक मुजरिम मान के ही चलना होगा। आप फोन कर सकती हैं। नंबर? नंबर मिसेस वर्मा? 5648397। सुले और प्रिंसिपल साहब हालात निभा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मुजरिम नहीं हैं। आपकी स्टूडेंट ठीक कहती है, आप अपनी मुस्कान के बिना अधूरी लगती हैं। हेलो, हेलो विक्टोरिया, आप टीचर को लेने गन क्यों लेकर आए? आपकी टीचर ने मुझे यहाँ भेजा है। क्यों? बातें करने चले। Excuse me, जरा please। आप भी आइए।
कुछ नहीं होगा सुमन, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग समझते हैं कि मेरे इन बच्चों को It's okay. कोई ऐसा नहीं सोचता, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। ये गलत फहमी है सुमन, हम हैं ना। रोहन, सुमन को पुलिस स्टेशन जाना होगा। What? ड्रग्स का केस है यार, इट्स वेरी सीरियस। बुलशिट, सुमन कोई क्रिमिनल है जो no. तुम वकील हो ना, अपनी आंखों के सामने मेरी सुमन को जेल जाते हुए देखोगे? जेल जाने की बात नहीं हो रही यार अभी तक। मगर विशाल मैंने कुछ आई नो सुमन आई नो, लेकिन प्लीज रोहन ट्राई टू रियलाइज ड्रग्स केसेस सिंपल नहीं होते। हाँ दो चार दिन की तकलीफ है पर What do you mean, दो चार दिन की तकलीफ? कानून कानून है रोहन, why don't you understand? मैजिस्ट्रेट के सामने सुमन को प्रोड्यूस करने तक सुमन को पुलिस कस्टडी में। रोहन दैट्स अ लॉ यार, सुमन के हैंड बैग से जो ड्रग्स मिले हैं उसे हार्ड एविडेंस माना जाएगा, यू नो व्हाट दैट मींस? उसको दे एविडेंस। मेरी सुमन मेरे साथ घर जाएगी बस, और कहीं नहीं। नादान मत बनो रोहन। यार मैंने इंस्पेक्टर सूर्य से बात कर ली है, अगर सुमन राजी होकर चलेगी तो वो उसे हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। मैं हूं ना रोहन, मैं संभाल लूंगा यार, दो दिन बस, टू डेज। इस वक्त अगर हमने कोऑपरेट नहीं किया तो पुलिस खिलाफ होगी हमारे। अरे तुम्हारा कानून गया भाड़ में विशाल, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुमन का पति अपनी बीवी को झूठे इल्जाम से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये आपका है शायद, आप जा सकती हैं। गो ऑन, आप आजाद हैं, यू आर फ्री। ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर? मजाक नहीं सुमन जी, मैं आपसे वो दो शब्द कहना चाहूंगा जो आज तक मैंने किसी से नहीं कहे हैं। I'm sorry. इंदर, अगर इनका भरोसा हमसे उठ गया तो कहां से लाएंगे हम? इंस्पेक्टर, मैं आपका शुक्रिया। इंदर, आपके प्यून ने वो ड्रग्स आपके पर्स में डाले थे तलाशी से बचने के लिए, उसने कन्फेस कर लिया। आपको कैसे पता चला? एक छोटे बच्चे ने बताया कि वो प्यून डस्टर रखने के लिए क्लासरूम में आया था। नो प्रॉब्लम, अपना तो रोज का काम है। हम आपका आई मीन थैंक यू। थैंक यू किस लिए? सुमन जी हर एक में कोई ना कोई हुनर तो होता ही है। आप चाय अच्छी बना लेती हैं, मैं मुजरिम अच्छे पकड़ लेता हूँ। मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ जी। हमें भी एक मौका दो, अगर आज शाम हमारे घर डिनर प्लीज, हमें अच्छा लगेगा। ओके थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक्स। अच्छे लोग हैं ना? थैंक गॉड उस इंस्पेक्टर ने बचा लिया। बचाया? अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं तो। तू नहीं जानता यार, इन सब चक्करों में फंसे तो मुजरिम और मासूम में कोई फर्क नहीं दिखता। इट कैन बी अ रियल बैड सीन। अरे वाह, एक तो वो। रिलैक्स रोहन, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। और क्या? क्या बात है डॉक्टर साहब, इतने सीरियस क्यों? I'm sorry, सुमन। कल के लिए। What? मैं कुछ नहीं कर सका। तुम्हें बचाना उसके लिए कितना आसान था। Don't be silly, रोहन। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर मैं बीमार होती तो हाँ, वो बेबस होता और सिर्फ तुम कुछ कर पाते। सी यू सी सी, फिर से बचा लिया मुझको। एक काम करते हैं रोहन, आज उसे जल्दी भगा देते हैं और हम दोनों सोएंगे नहीं। Hi. Good evening. Wow.
इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी इंस्पेक्टर साहब? इसे तकलीफ या फॉर्मेलिटी मत समझिए, इतने सालों बाद सेलिब्रेट करने का मूड था डॉक्टर वर्मा था। ओके ओके ओके, इंदर इंदर इंदर, आई एम सॉरी, कम कम, थैंक यू इंस्पेक्टर। नहीं, सिर्फ इंदर। आने के लिए शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मिसेस वर्मा, दो ग्लास भी लाने होंगे। सिर्फ दो ग्लास? क्यों इंदर, तुम नहीं पीते? है ना, रोहन के एक पेशेंट ने बनाई है, इतनी शानदार है ये, जिस दीवार पर भी टंगी होगी वो कमरा कभी सुना नहीं लगेगा। वाह यार इंदर, तुम्हें देखकर ये कोई कह भी नहीं सकता कि तुम में शायरी भी है। मुझे भी अभी पता चला। चलो, हमने ही तो, हमारी तस्वीर ने तो एक शायर को जगा दिया। अब मैं चैन से सोऊंगा कैसे? एक जाम इंदर के नाम, ऐसा दोस्त सभी को नसीब हो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बेटा ये तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हें ड्रंक भी कर देंगे। मगर सीरियसली इंदर, तुम नहीं होते तो ना इंसाफी हो जाती। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। ये जाम आप दोनों के नाम, इतने सुंदर लोग हो तो जीने को भी जी जाता है। पर ना, अपना है कौन? यार इंदर, इतनी सारी हो गई, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा? कुछ हुआ नहीं तुझे? होता है, बस दिखाने की आदत छूट गई है। क्यों? किसे दिखाऊं? मैं अकेला हूं। झूठ मत बोल इंदर। अब क्या अकेला? हम है ना तेरे साथ। अभी यहां तू देखना कैसे तेरे अकेलेपन का इलाज करता हूं। आज के बाद नो मोर अकेला। सुमन, मैं आ रहा हूं। रोहन, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। जाना नहीं है, मैं आ रहा हूं। थैंक यू। क्यों? पहली शाम इंसानों के साथ गुजारी है, वरना कभी कभी लगता है दुनिया सिर्फ मुजरिमों से भरी हुई है। Come on, इंदर, इतनी भी बुरी नहीं दुनिया। आप नहीं जानती मिसेस वर्मा, मैं तो रोज देखता हूं। चरण, ये लो। ये क्या है? उसी पेंटिंग का पहला स्केच। मेरे लिए? आप इसे संभाल के रख लीजिए मिसेस वर्मा, इस पर गैरों का कोई हक नहीं है। रोहन कुछ मूड में है। नहीं इंदर, अगर तुम इसके मानी इतना समझते हो तो रख लो, हम दोनों को तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का इससे अच्छा। अबे रख ले यार, वरना मेरी सुमन और फॉर्मल होती जाएगी। आज के बाद मैं कभी अकेला नहीं होऊंगा। यू आर राइट, तुझे चढ़ती है, तू दिखाता नहीं। रोहन, मैं एक बात पूछ सकता हूं? तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? नहीं पूछ सकता, ये इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है। अबे 3 साल हुआ यार, क्यों? नहीं, इतना पर्सनल होना भी कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है इंदर, गो ऑन, फिर से अकेले मत हो जाओ। नहीं, मैं सोच रहा था कि इस तस्वीर में कमी है तो बस एक बात की, बच्चों की। आ
आइए आ गए आप। कैसी रही पार्टी? अच्छी जा रही थी। थी? हाँ यार, मैं भी कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ। चल ड्यूटी करते हैं। सुन, आज रात किसी को पकड़ना मत, मुझसे बात आ रही है तेरे। ए, अंदर! ये भूल रहा था तू। अरे रख ले, अरे रख ले, वरना सुमन को भी बुरा लगेगा। I'm sorry, Rohan. तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, शायद थप्पड़ मार देता। ला सिगरेट पिला। अरे भूल जा यार, और ये थप्पड़ वप्पड़ का नॉनसेंस छोड़। एक डॉक्टर का हाथ कभी हमले पे नहीं उठ सकता। काश हाथ उठाना मेरी फितरत में भी नहीं होता। फितरत क्या है? कंट्रोल करो। तुझे क्या लगता है, मेरा दिल नहीं करता कभी टिशुम बिशुम? सच? कब करता है? उस रात जब उस चोर ने मेरे सुमन के गले पर छुरा धरा था, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। लेकिन इट्स फनी यार, एक मौका मिला था मुझे, जब मैं उसे पता नहीं क्यों नहीं मारा उसे। शायद उस वक्त तुम्हें सुमन से ज्यादा अपने डॉक्टर होने का ख्याल आया होगा। ऐसी बात नहीं है अंदर, सुमन के अलावा मुझे और कोई ख्याल नहीं आते, पर शायद मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे ज्यादा घबराया हुआ था। चोर चोर होते हैं रोहन, लातों के भूत। पता नहीं यार, उसे भी तो भूख लगती होगी, उसकी भी कोई अपनी होगी। कल रात का क्या प्रोग्राम है तेरा? कल रात का क्या प्रोग्राम है तेरा? कल रात कुछ नहीं। क्यों? मैं एक पार्टी देने जा रहा हूं, सिर्फ मर्दों के लिए। आना? ये तुम पर जो इंसानियत का नशा चढ़ा है ना, शायद थोड़ा उतार सकूं। Why not? नशा उतारना तो बड़ी अच्छी बात होती, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो। You know, सुमन? हाँ? हाँ तो कह चुका हूँ, पर अब जाने को दिल नहीं करता, तुम भी चलो ना साथ में। अरे मर्दों की स्टैग पार्टी में मेरा क्या काम? हाँ फिर भी तुम्हें अकेले छोड़ के जाना। मैंने नीता को घर बुला लिया है। लो आ गया बुलावा। देख बच्चू बड़ा हो गया, उसकी बीवी उसे गेट तक छोड़ने नहीं आई। तुझे बुरा लगा? ये क्या यूनिफॉर्म में, तुमने तो पार्टी में बुलाया था। मर्दों की पार्टी बेटा, बैठो जीप में चलो, हम भी देखते हैं मर्दों की पार्टी क्या होती है। रोहन दोस्त तो सारे ही मिलते हैं होटलों में या किसी शरीफ माहौल में, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में बुलाया। क्यों, वो एक शरीफ माहौल नहीं? तुम ही बताओ है या नहीं। है। एक बात बताओ अंदर, इतनी अलग पार्टी में मैं आज तक नहीं गया, मगर मजा आने लगा है। तो चलो, नजारे और भी हैं, चलो। अरे कहाँ जाता है, चल तुझे जन्नत की सैर कराती हूँ। क्या बात है, शर्माता क्यों अरे? अपनी जबान अपने फड़वे को चाटने के लिए रख। फट।
यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात सुनते रहते हो तुम सदा रातों की नींदें दिन का चैन हमने क्या क्या है खो दिया नर्सों की हरदम कंपनी है ना मजे की बात दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात बरे बरे बाबा बरे बरे बाबे डे बरे सरकारी ऑफिसर हाथों में पावर है बड़ा मान डरते हैं हमसे लोग प्यार हमें किसका है मिला हसीनों की हिफाजतें है बस तुम्हारे हाथ दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ दिल बहलता है तेरा अच्छा लगता है साथ यार का मिलना किस्मत की है ये बात यार का मिलना मिलना किस्मत की है ये बात यही वो बस्ती है ये वही बस्ती है जहां ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग स्मगलिंग सभी धंधे हैं जिन्हें चलाने के लिए लेबर की जरूरत है क्राइम इस महान इंडस्ट्री के मजदूर यहीं पर रहते हैं एक बात बताओ अंदर सिर्फ पुलिस ही नहीं काफी सारी आम जनता भी जानती है कि कहां क्या हो रहा है आजकल फिर हम सब लोग मिलकर कुछ करते क्यों नहीं तुम यही रुको पहचाना इसे येलो रवन तुम्हारा मुजरिम साहब मैंने आपके घर से कुछ नहीं चुराया माफ कर दो ना साहब अपन का घर में तो खाने के वास्ते भी कुछ नहीं है साहब क्या करना है रोहन
उस दिन सिर्फ एक सेकंड का मौका दिया था ना इसने, आज फुर्सत से हाथ चला सकते हो। नहीं साहब, मैं पिस्तौल नहीं चला सकता। पिस्तौल सिर्फ गोली चलाने के लिए नहीं होती रोहन, पागल मत बनो इंदर। क्या बात है रोहन, तुम इसे सजा नहीं देना चाहते? इसे अंदर कर दो, जेल करवा दो। डोंट बी गटलेस रोहन, कानून बस कार्रवाई करेगा, इंसाफ सिर्फ हम कर सकते हैं। कम ऑन, डू इट, डू इट, डू इट नाउ। मैं हम वैसे नहीं है। बेचारा सब आदर्शवादी डॉक्टर वर्मा या तुम जो सोचो इंदर, मैं इंसाफ चाहता हूं, बदला नहीं। जाकर मोहल्ले में पेड़े बांट, तू जिसका गुनहगार है वो मर्दानगी में नहीं मानता। जा जा। ये मर जाता मगर तुमसे गोली नहीं चलती, और अगर मैं ऐसा होने देता तो तुम अपनी नजरों से भी गिर जाते। तुम इस मोहल्ले को नहीं जानते डॉक्टर साहब, गोली चला भी देते तो कोई नहीं आता। मैं इंसानों को दोबारा मारने में नहीं मानता। गुड वन। रात के बाद तुमने अपने सुमन को देखा? उसके गले और पीठ पर इस हरामी के उंगलियों के निशान थे। और कहां कहां थे? उस रात के बाद तुमने अपने सुमन को देखा? गले और पीठ पर इस हरामी के उंगलियों के निशान। और कहां कहां थे? रात के बाद तुमने अपने सुमन को देखा रोहन? और कहां कहां थे? गले और पीठ पर इस हरामी के उंगलियों के निशान। रात के बाद तुमने अपने सुमन को देखा रोहन? गले और पीठ पर हरामी के उंगलियों के निशान थे। और कहां कहां थे? रात के बाद तुमने अपने सुमन को देखा रोहन? के गले और पीठ पर। क्या कर रहे हो? रोहन ही सिख, सुमन ही सिख, ये सब उसने जानबूझकर किया है। रोहन ये क्या कह रहे हो तुम? इंदर वो पागल है सुमन, वो पागल है। वो चोर जो हमारे घर घुसा आया था उसके पास ले गया था मुझे,
ये सारी रात उसने प्लान की थी। उस चोर का क्या रोहन? उसे पकड़कर इतनी बेरहमी से मारा इंद्र ने। He's a sadist. उसे बचकर रहना सुमन। उसने उस चोर को इतना मारा, बेचारा जिंदगी भर शायद चल नहीं पाएगा। नो रोहन, मुझे वो चोर बेचारा नहीं लगता। तुमने देखा नहीं सुमन, मैं था वहां, उसे मजा आता है। तुम थे नहीं वहां सुमन। तुम तो थे ना रोहन, जब हम दोनों चोर के हाथ चोर है सुमन, उसका पेशा चोरी है। छोड़ रहा था मुझे मिल जाए तो मैं खोल कर। तुम उससे दूर रहना, बस वादा करो रोहन। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, तुम थे नहीं वहां। जानता हूं, मैं आपसे सिर्फ एक मिनट बात कर सकता हूं मिसेस वर्मा। Yes, Inspector. रोहन ने आपको कल रात के बारे में सब कुछ बताया होगा। आप इसे सफाई समझेंगे, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी है कि आप मुझे गलत न समझें। मैंने वही किया जो रोहन करना चाहता था। हाँ मिसेस वर्मा, जिन्हें चाकू छुरे चलाने की आदत है वो सिर्फ मेरे जैसों की भाषा समझते हैं। मेरा हाथ उठाना जरूरी था। कानून भी तो है। अपने दिल से पूछिए मिसेस वर्मा, अगर मैं उसे अंदर कर देता तो 15-20 दिनों में छूट जाता, लेकिन जो मैंने उसके साथ किया है उसके बाद दोबारा वो आपके घर नहीं आएगा। आप समझ रही है ना? देखिए मिसेस वर्मा, ऑपरेशन के लिए छुरा उठाते वक्त डॉक्टर वर्मा के हाथ भी नहीं कांपते होंगे, क्योंकि वो घाव इलाज के लिए जरूरी है। मैं भी वही करता हूं मिसेस वर्मा, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पेशेंट्स ज्यादा ढीठ हैं। मेरे सिर्फ दो दोस्त हैं, आप दोनों, जिन्हें मैं शायद खो चुका हूं। मैं आप लोगों की नजरों में उठने का रास्ता तो नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ चोरों से निपटना आता है। आप समझ रही हैं ना? इसके बाद जिंदगी भर आप मेरा मुंह भी नहीं देखेंगी, तो भी मुझे कोई गिला नहीं। कहते हैं ठाट, तुम अवार्ड लेने पुणे तो नहीं आए तो सारी एसोसिएशन को बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ आना पड़ा है। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर सिन्हा, मुझे लगा कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड सिर्फ हम जैसे बूढ़े डॉक्टरों को ही मिलता है। और जब रोहन हमारे साथ नहीं था तो हमारे यार ये ठीक नहीं है सुमन, हम यहाँ खड़े हैं और तुम्हारी नजरें वहां टिकी हैं। तेरा हस्बैंड है यार, कहां जाएगा सर? शायद इस खाली ग्लास को रिफिल करने। Oops, I'm sorry. I didn't notice. I'll be right back. नीता तू भी कमाल है। पहले कहती है इंटरेस्टिंग मर्दों से मिला, मिलाती हूँ तो भगा देती है। यार ये शादीशुदा टाइप्स में कोई फ्यूचर नहीं। अगर ऐसा कोई सैंपल हो ना तो नो ऑब्जेक्शन यार। इंदर तू जानती है इसे? वाह, तेरे हस्बैंड की पार्टी में आना तो वसूल हो गया। हाय।
अगर आप स्माइल नहीं करेंगी तो मेरा अगला शब्द बाय होगा। इंदर, ये नीता है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती है। हेलो नीता, इंद्रजीत सक्सेना। इंस्पेक्टर, जानती हूँ आप आए थे हमारे स्कूल। लोकल पेपर्स में पढ़ा अवार्ड के बारे में, सोचा रोहन को कांग्रेचुलेट करूं। व्हाई नॉट, मैं मिला दूंगी, रोहन से वैसे भी मेरी काफी इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपको हमारे स्कूल आना पड़ेगा बदले में। स्कूल में ही क्यों नीता जी, मैं तो आपको कहीं भी मिल सकता हूँ। मेरा मतलब था बच्चों से मिलने के लिए। हर किसी को पुलिस वालों से मिलकर खुशी नहीं होती। ऐसा है तो आपको आना ही पड़ेगा। Excuse me. मैं चलो सुबह डॉक्टर सुना याद कर रहे हैं। हाय रोहन, कांग्रेचुलेशंस। या थैंक्स रोहन, दैट वाज रूड। आई डोंट केयर। अरे हाय लवली लेडी, वेलकम, कम ऑन, गिव मी किस हियर। आह दैट्स बेटर, देयर यू आर मैन। अरे भाई अवार्ड तो एक बहाना है, हम तो तुमसे मिलने आए हैं और एक तुम हो, यहाँ वहाँ भागती रहती हो। ऐसा नहीं है अंकल। अंकल, ए रोहन एक ड्रिंक तो लेके आना, तब तक मैं अपने रिश्तेदार से मिल लेता हूँ। हाँ वन स्कॉच एंड सोडा प्लीज। हाय वंस अगेन। यहाँ से चले जाओ। इतने नाराज हो रोहन, अपने दोस्त को भी पार्टी पर नहीं बुलाया। इंदर प्लीज यहाँ से चले जाओ। रोहन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इंदर ऐसा क्या रहा फिर? चिल्लाओ मत रोहन, सुमन क्या सोचेगी? मिसेस वर्मा, अंडरस्टैंड? और वो मेरे बारे में क्या सोचती है? दैट्स नॉन ऑफ योर। मैं शायद जानता हूं। यू बास्टर्ड। रोहन तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं शायद इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। और कितनी तौहीन करनी पड़ेगी तुम्हारे भेजे में ये बात पहुंचाते कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। नाउ फॉर गॉड्स सेक, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। वरना वरना क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? स्टडीड अ लॉट। एक्सक्यूज मी, सुमन तुम मुझसे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स रोहन। देन किस मी प्लीज। For the happy couple, उनके दोस्त इंद्रजीत सक्सेना एक नजराना पेश करेंगे। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी,
मिला ये तेरी आंखें झुकी झुकी ये तेरा चेहरा खिला खिला ये तेरी आंखें झुकी झुकी ये तेरा चेहरा खिला खिला। इतने सारे लोग बेचैन थे इंदर को हीरो बनाने, फिर तुम्हें ताली मारने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया है तुम्हें रोहन? गाना अच्छा था, ताली मार दी, बिग डील? You're right, सुमन, बिग डील, बिग डील! उसके लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है कि तुम्हें उसकी थर्ड क्लास हरकत पसंद आई। इनफ रोहन, तुम पैरानॉइड हो रहे हो। फॉर गॉड्स सेक सुमन, वो हमारे पीछे आने की कोशिश कर रहा है। कांट यू सी? अंधी हो गए हो तुम? प्लीज रोहन सोचो, शायद तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम दोनों अलग किस्म के मर्द हो, सो ओके। मगर तुम इस डिफरेंस को अच्छे बुरे की जंग बना रहे हो, क्यों? क्यों? तुम्हें दिखता नहीं? He's a psycho. उसकी आंखें देखी है तुमने? Good night. Great. यही तो चाहिए उसे। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आता ना? रोहन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे जीतने के लिए इंदर को हराने की जरूरत तुम्हें क्यों महसूस होती है? शिट। सालों से देख रही हूँ, तूने तो आज तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। एक बात बताऊँ, तेरे से तो पैसा लेने का भी मन नहीं करता। बेसहारों को सहारा देना, इस शहर के हर अकेले बेबस से दोस्ती का रिश्ता रखना, यही एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज है, धर्म है। तो फिर आप गन क्यों रखते हैं? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग मेरी दोस्ती को गलत समझ बैठते हैं। आपने आज तक किसी को मारा है? सिर्फ उन लोगों को जो मेरे दोस्तों की खुशी बिगाड़ना चाहते हैं। मैं भी बड़ी होकर पुलिस बनूंगी, अपनी गन लेकर। नहीं बेटा, आप कोई बड़े आदमी बनना, कोई फेमस राइटर या डॉक्टर। हम पुलिस वाले तो झाड़ू वालों जैसे होते हैं, घर साफ रखते हैं औरों के जीने के लिए। कमाल है इंदर, तुमने तो बच्चों का दिल जीत लिया, हम कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? मेरे साथ कॉफी पीकर। हंसिए मत, देखिए आई एम सीरियस। आई एम सॉरी, मगर मुझे घर जाना है। तो ठीक है, मैं आपको मेरी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अरे भाई, पुलिस जीप है, आपको सही सलामत घर छोड़ देगी। मगर मैं हमेशा चलकर जाती हूँ। तो ठीक है, आपको चलकर ही घर छोड़ देते हैं। आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और इस वक्त वो ये कह रही हैं कि आप यहाँ अपनी मर्जी के खिलाफ आई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट अजीब सा लग रहा है। आई मीन आप मुझे पहचानने में गलती कर रही हैं मिसेस वर्मा। इंदर, ये क्या? हाँ मिसेस वर्मा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं औरत होती तो क्या आप मुझसे बात नहीं करती? What? हाँ मिसेस वर्मा, मैं सिर्फ आपका दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ, आप दोनों का। लेकिन मेरा हर कदम हर वक्त जैसे मुझे आप दोनों से दूर लिया जाता है। कैसे कहूँ आपसे, किसी की इज्जत करना मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन मैं रोहन की इज्जत करता हूँ। इंदर, इट्स ओके। मिसेस वर्मा, अगर मैं आपको या रोहन को इस यूनिफॉर्म में इतना खतरनाक लगता हूं, तो हमेशा आप दोनों से फ्रॉक पहनकर मिलने को तैयार हूं। इंदर, तुम बड़े डिफरेंट से हो, मगर बुरे नहीं। ये आप कह रही हैं?
नो नो, रोहन भी जानता है। आई टेल यू रियली। बस वो लेजेंड भी। जैसा आप कहें। सुमन जी, आप स्कूल में पढ़ाती हैं, नर्सरी रैंक की किताबें लेके घूमती हैं, आपको बच्चों और उनकी चीजों से बड़ा लगाव है ना? सॉरी, मैं कुछ कह गया। इट्स ओके। सुमन जी, मुझे आपकी खामोशी से एतराज नहीं, लेकिन वो बातें जो आप रोहन से भी नहीं कह सकती। अपनी सहेली से तो कह सकती है ना, शायद मन थोड़ा हल्का हो जाए। साल पहले कर रहे हैं, वो इमरजेंसी में है, ही कांट कम। अंकल हमारे बच्चे को नहीं बचा सके, तुम होते तो ऐसा नहीं होता, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला रो, तुम नहीं थे। सुमन प्लीज गेट आउट रोहन, हमारा बच्चा तुम्हारी इमरजेंसी के आगे कुछ नहीं, तुम नहीं थे रोहन, तुम मेरे साथ नहीं थे। उसके बाद मैंने 5 दिन रोहन का चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया। मैं जानती हूं उसकी गलती नहीं थी, मगर अब उसका डर मैं समझ सकता हूं, वो एक बार तुम्हें खोल चुका है। I'm sorry, मुझे इस वक्त किसी से बात करने की जरूरत थी। I'm sorry, Mrs. Verma, मगर मुझसे इस वक्त कुछ कहा नहीं जाएगा। याद है ना तुझे क्या करना है? मैं सुमन हूं। आओ अंदर आओ। आराम से डाल ले, ये तुम्हारा आखिरी महीना, संभल के आओ। आहिस्ता आओ, आहिस्ता संभल के। देखा, अभी से हमसे मिलने उतावला हो रहा है। सुमन, आई लव यू सुमन। मैं संभालूंगा तुम्हें, हमारा बच्चा यहां इसी घर में होगा, सब कुछ करूंगा मैं अपने हाथों से। तुम डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दो, तुम आराम करो, मैं देखता हूं। हेलो, आई एम सॉरी सुमन, जाना पड़ेगा, इमरजेंसी। कैसे कैसे लोग मिलते अपन को, मगर इसके साथ तो मजा आता है। चल लग जा अपने धंधे पे,
मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास सुमन। देखो सुमन, मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ तुम्हारे पास सुमन। मैं हूँ यहाँ सुमन, मैं हूँ यहाँ, मैं इमरजेंसी छोड़कर आ गया हूँ सुमन। सुमन अजय राजा, मतलब सुमन नहीं, तू सुमन नहीं। तू सुमन नहीं। ना सुमन। वृंदा आई थी तेरे घर से सीधा मेरे पास सुबह 4 बजे। कौन वृंदा? वही वृंदा जिसे तो सुमन बनाकर नाटक कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पटाया, मैंने कंप्लेन करने जा रही थी। जाने दे यार। बस कर इंदर, तेरा पागलपन दिखने लगा है। मिसेस वर्मा तेरे को मिलने वाली नहीं है। अच्छा ए, मेरे साथ नाटक मत कर। तू अच्छी तरह जानता है कि अगर ये वर्दी नहीं होती ना तो तू कब का जेल में होता। वो मुझसे प्यार करती है सुले। इंदर जाग, आंखें खोल, दोस्त हूं तो कह रहा हूं। उनका हंसता खेलता घर मत उजाड़। वो दुखी है सुले, और डॉक्टर वर्मा नामर्द, उसे मेरी जरूरत है। आई नो। इंदर आखिरी बार कह रहा हूं, भूल जाओ उसे वरना अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर वर्मा भी छोटा आदमी नहीं है। क्या कर लेगा? अरे वो नहीं करेगा तो मैं करूंगा। इंदर तू समझता क्यों नहीं है? मिसेस वर्मा तेरे दूसरे खिलौनों की तरह नहीं है, जाने दे। तू क्या कर लेगा सुले? हैं? मुझे मजबूर मत कर इंदर, मैं जाऊंगा सीधा एसीपी साहब के पास। बहुत हो गया तेरा नाटक। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर सुमन ने पहला कदम उठाया तो हाँ, तुम घर जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। नंबर लगा? यस डॉक्टर, मैंने मिस्टर विशाल सिंघानिया को मैसेज दे दिया है, आप उनसे मिलने पुणे आ रहे हैं। सुमन से कहा तैयार रहने? फनी डॉक्टर, लाइन नहीं लग रही है। नीता घंटों बातें करती है सुमन से। इंगेज नहीं सर, लाइन नहीं लग रही, शायद आपका फोन डेड है। डेड? जी। सुमन, सुमन, सुमन,
थी तुम? तुम्हें हॉस्पिटल में फोन करने गई थी रोहन, अपने घर में फोन नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। आधा घंटा रहा देखिए, फिर मैंने सोचा सबके यहाँ गई होगी, मगर इंदर, ये सब इंदर की चाल है। रोहन फिर वही। मैं जानता हूँ सुमन, चलो। हाँ इधर है, क्या नाम बोला? रोहन जी वर्मा? नहीं नहीं जी नहीं, सिर्फ डॉक्टर रोहन वर्मा। हाँ समझे समझे, लाइन कट है तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन। क्यों क्यों बोले तो, ऑर्डर इसलिए ऊपर से। दिस इज रिडिकुलस, कोई वजह तो होनी चाहिए। ऑर्डर है तो वजह तो होगी, पैसा नहीं भरा होगा या इलीगल कनेक्शन होगा। आप रेस्टोरेशन के लिए अप्लाई करो, देखेंगे। ये ऑर्डर पुलिस से आ सकता है? तुमको क्या, ऑर्डर है ना बस। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा फोन भी कट चुका है। फोन अपना डिपार्टमेंट नहीं मैडम। ओह फॉरगेट इट, लेट्स गो। इधर भी कुछ नहीं हो रहा यार, फालतू में कंटाल आ रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, बहुत मजा आ रहा है तुम दोनों को। हाँ मजाक बना रखा है तुम दोनों ने। ठीक है मैं भी देख लूंगा, खेल खत्म होने के बाद कौन रास्ता होना चाहता है। प्लीज रोहन, रोहन? चलो। हाँ रोहन नो प्लीज, देख लूंगा तुम दोनों को। रोहन देख लूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा सुमन। रोहन लाइट नहीं है, लोग सोचेंगे हम घर पर नहीं हैं, फोन नहीं है, कोई चाहे तो भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसने गलत नहीं कहा था रोहन, हमारी उस तस्वीर में एक हंसते खेलते बच्चे की कमी है। रोहन हम जिंदगी से नाराज हो जाए तो जिंदगी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलती ही रहेगी। हमें जिंदगी से कुछ खुशियां चुरानी है बस। आई लव यू रोहन, आई लव यू। आई लव यू टू सुमन।
लाइन देखकर काटनी चाहिए ना आपको, बस मुंह उठाया और काट दिया। अरे बाद में प्रॉब्लम हमें होती है भाई। मेरे घर में घुसाने की इजाजत किसने दी तुमको? दरवाजा खुला था। इसका ये मतलब नहीं कि तुम यू सन ऑफ अ बिच। डॉक्टर वर्मा, जो आपको कहना चाहिए वो मैं कह देता हूं। शुक्रिया। आप मुझ पर टूट पड़े तो मैंने जाकर इंक्वायरी किया। वो ऑर्डर तो किसी रोहन जी वर्मा के खिलाफ है और गलत फहमी में लागू आप पर हो गया। ये सब एक चाल है, तुम जानते हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर हम लोग दखल नहीं देते तो दो चार दिन और लग जाते गलती सुधारने में। बुलशिट! मैं इस बदतमीजी के खिलाफ एक्शन लूंगा। मर्जी आपकी। वैसे अगर आप चेक करोगे तो शहर में रोहन जी वर्मा भी मिलेगा। मेरी मानो तो इस लफड़े को इधर ही खत्म करो। तुम जानते हो क्या कर रहे हैं? देखो, आज तो उसने तुम्हारी मदद ही की है और हमने भी सोचा कि जल्दी कनेक्शन करवा के तुम दोनों को सरप्राइज देते हैं। तुम चाहते हो कि मैं इस बहाने को सच मान लूं? ठंडे दिमाग से सोचिए डॉक्टर साहब, दरवाजा हमने तो खुला नहीं छोड़ा ना। गुड नाइट। रोहन, हम लीगली कुछ नहीं कर सकते। तू ये कह रहा है कि वो तेरे घर में घुस आया था, राइट? लेकिन दरवाजा तूने खुला छोड़ा था। वो तो यार यही कहेगा ना, मैं तो इन्वेस्टिगेट करने आया था, पुलिस ड्यूटी। सिर्फ कल की बात नहीं है विशाल। आई नो रोहन, लेकिन हमारे पास सबूत क्या है? तेरा शक बस। तू वकील है ना, तू कुछ कर। क्या यार? जब कोई जुर्म हुआ ही नहीं जिसे कानून की नजरों में मैं कुछ यू नो। वो बहुत चालाक है विशाल, सुमन को भी फुसला कर रखा उसने। क्या? वो भी सोचती है मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं अंधा नहीं विशाल। मैंने उसकी आंखों में हवस देखी, बर्ताव करेक्ट है उसका, मगर उसकी आंखें। रोहन तू भी यार, वैसे तो मैं भी माधुरी दीक्षित की फिल्में देखता हूं, एकदम वैसी नजरों से। For God's sake, कर तक रहा विशाल। वो सुमन के पीछे पड़ा है ना? देख रोहन, अगर तेरा कहना सही भी है, राइट? तो भी हवस के खिलाफ कोई कानून नहीं है, यू अंडरस्टैंड? तो तू क्या चाहता है, मैं कुछ होने तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। रोहन, उसे पटाने की कोशिश कर। What? पुलिस वाला है यार, पैसे वैसे खाकर यू नो। एक वकील हो के तू ऐसी? मैं तेरा दोस्त भी हूं रोहन, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? इंस्पेक्टर इंद्रजीत सक्सेना को इस वक्त तेरी जिंदगी से ज्यादा तेरे दिमाग से निकालना जरूरी है, ऐसे में सब जायज है। डॉक्टर वर्मा किधर है? उस तरफ। आप एक्सरे निकलवा लीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वर्मा कौन है? वर्मा? अरे रोहन वर्मा। ओ डॉक्टर वर्मा। हाँ, उसको बोले स्टेशन में एनसीए, उसको आने का है जल्दी।
आई एम सॉरी डॉक्टर वर्मा, मगर जिसने भी आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है वो पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक तो यहीं था। आई एम सॉरी, हाँ आप जा सकते हैं। दिस इज रिडिकुलस ऑफिसर, मुझे ड्यूटी से उठाकर यहाँ लाए हो और अब ये कह रहे हो कि? आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, पर अगर कोई एनसी लिखवा दे तो उन्हें बुलवाकर एक्शन तो लेना पड़ता ना। हम दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाकर सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। किसने लिखी मेरे खिलाफ कंप्लेंट? हाँ ये कोई मिस्टर जयप्रकाश है, मगर ये पता गलत है, ऐसी कोई जगह ही नहीं। मुझे लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। क्या कंप्लेंट है? उसने ये दावा किया है कि तुमने उसकी बीवी को भगा कर ले जाने की धमकी दी है। थैंक यू, मगर आप लोगों को कैसे? कैसे अटे? चोरी का गाड़ी है क्या? हमें चोरी का कंप्लेंट मिला है। अरे ये मेरी गाड़ी है और मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। तो फिर पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखो। चलो चलो। हाँ नहीं, जहाँ कंप्लेंट लिखा है वहाँ पे चलो। इन्नर तुम तो जादूगर हो, बर्थडे सुमन का है और प्रिंसिपल साहब से कह के छुट्टी हम दोनों को दिलवा दी। मैं तो हॉस्पिटल भी गया था रोहन से मिलने, लेकिन वो इमरजेंसी ड्यूटी पर है। सच कहो तो जाने दो। बोलो इंदर। सिर्फ एक सेकंड के लिए मिला था मुझे रोहन, कह रहा था सुमन को विश कर देना मेरी तरफ से। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, जिसका काम उसी को साजे है ना। कोई बात नहीं, शाम तक तो आ ही जाएगा। प्लीज जल्दी कीजिए। देखो साहब, जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा, चोरी का इल्जाम फालतू नहीं है। मैं किसी सीनियर ऑफिसर से मिल सकता हूँ? काहे को, वो भी तुमको मेरे पास ही भेजेगा। ये देखो कार चोरी होने की रिपोर्ट, और ये साइन किसका है? ये तो मेरा सिग्नेचर है, किसी ने नकल उतारी मेरे सिग्नेचर की। बैठो साहब, आधे लपड़े में छोड़ के जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। शिट! फिर कमिश्नर साहब ने पूछा कि अगर तुम्हें पिस्तौल चलानी नहीं आती तो कमर पे क्यों पहन रखी है, और नए ट्रेनी ने जवाब दिया, सर बटन टूट गए हैं, अगर मैं पिस्तौल नहीं पहनूंगा तो पतलून गिर जाएगी। आप फिर से फिक्र कर रही हैं मिसेस वर्मा, जैसे ही वो फ्री होगा फोन कर लेगा, इमरजेंसी किसी को बताकर थोड़ी ना आती है। फिर भी सुमन, छोड़ना मत रोहन को, आज के दिन गायब, जी भर के शिकायत करना। आपको कोई क्रॉस कंप्लेंट करनी है? अरे मुझे कोई क्रॉस कंप्लेंट नहीं करनी, मुझे जाने दो बस, मेरे घर में लोग फिक्र कर रहे होंगे। उन्हें फोन कर दो। तुम्हारे सामने कर रहा हूं, देखते नहीं हो? लगता नहीं है। कैसे लगेगी? लो तुम यहां साइन करो और अंदर जाकर साहब से मिलो। अब हम दोनों को चलना चाहिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्यों?
मिस्टर द ग्रेट रोहन को तो आने दीजिए, फिर दोबारा पार्टी। नीता जी, रोहन शायद मिसेस वर्मा के साथ अकेले रहना पसंद करेंगे। थैंक यू। अगर वो जल्दी आ जाता तो बात और थी। नीता जी, हमें समझना चाहिए अपनी बीवी के बर्थडे पर कौन सा पति उसकी सहेलियों के साथ टाइम वेस्ट करेगा। दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए। गुड नाइट मिसेस वर्मा एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बाय। सुमन, सुमन, आज भी तुम नहीं थे, फोन भी नहीं। जानते हैं आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? इंद्रजीत सक्सेना हमारे सबसे काबिल ऑफिसर्स में से है। डिपार्टमेंट तो क्या, होम मिनिस्ट्री से भी उसे कई अवार्ड्स मिले हैं। मैं समझता हूं ऐसे भी साहब, मगर नो डॉक्टर वर्मा, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरियस एलिगेशन। और इंद्रजीत का रिकॉर्ड ऐसा है कि आज तक शक का साया भी उसके नाम पर नहीं पड़ा। प्लीज ऐसे भी साहब, वो कितना महान है आई डोंट केयर, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। कोई सबूत है आपके पास? सबूत कैसे होगा मेरे पास, वो खेल रहा है मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर वर्मा कि आप अपने किसी वहम का शिकार हो रहे हैं? ओह फॉर गॉड्स सेक। एसीपी साहब, आपने सारी कहानी तो सुन ली है। मैं मानता हूं कि हर घटना का कोई सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होता है, मगर उन्हें एक साथ अगर देखा जाए तो क्या साबित होता है? इंद्रजीत सक्सेना को डॉक्टर वर्मा पसंद नहीं है, सो व्हाट? आप कुछ नहीं कर सकते। शायद उस पर नजर रख सकते हैं। आप एक रिटन कंप्लेंट दे दीजिए, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। राइटिंग में रूल्स, वरना मुझसे ही सवाल किया जाएगा कि मैं एक सच्चे होनहार ऑफिसर के चाल चलन की बेबुनियाद तहकीकात क्यों कर रहा हूं? तो रहने दे रोहन, रहने दे, कुछ होने का चांस नहीं है ज्यादा, फिजूल में हम खुले में आ जाएंगे। नहीं विशाल, जंग तो कब की जारी है,
आज सिर्फ ऐलान हो रहा है उसका। गधा, कंप्लेंट से क्या होगा? अर्जी लिख दे। अर्जी? कैसी अर्जी? तू बीमार है, तुझे छुट्टी की सख्त जरूरत है। डोंट बी फनी यार, मैं एकदम फिट हूँ। लिख दे इंदर, दोस्त होने के नाते अभी तक मैं चुप था। तू समझता नहीं यार, वो मुझसे प्यार करती है। जल्द जल्द ही उसे भी एहसास हो जाएगा। अर्जी लिख इंदर, वरना मेरी जुबान भी खुल जाएगी। जरूरत पड़ी तो वृंदा का बयान भी मैं एसीपी साहब तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं अर्जी लिख दूंगा। अगर वो खुद मेरे पास आई तो? ऐसा हुआ तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रोहन, एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दोगे? सुमन, अगर तुम्हारा कहना सच है तो वो रिश्वत नहीं लेगा, और अगर मेरा ख्याल सच है तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से सच्चाई को देखो। कुछ भी हो जाए सुमन, गाड़ी से बाहर मत उतरना। देखा रोहन, तुमने बुलाया और मैं चला आया, और एक तुम हो कि मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं इंदर, हमारी जिंदगी को तुम अकेला छोड़ दो। दोस्तों में रिक्वेस्ट नहीं करते, हक से चुनो, हक से। तुम चले जाओ इंदर, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत। सुमन को बताया कितना डरते हो मुझसे? नहीं बताया होगा, नहीं तो उसके बच्चे की तरह उसके भरोसे का भी खून हो जाता। सुमन ने मुझे सब कुछ बताया है, वो बात भी बताई है जो तुम दिल ही दिल में जानते हो। तुम उसके लायक नहीं हो, उसे मर्द चाहिए, मर्द। मैं तुमसे लड़ने नहीं, सौदा करने आया हूं। कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा ना तुमने, पहले पुलिस कंप्लेंट फिर ये। मुझे हर शर्त हर कीमत मंजूर है। तो सुमन का दिल मुझसे जीत कर बताओ। तुम्हें गलत फहमी है अंदर, सुमन तुम्हें नहीं चाहती। रियली? तुम्हें पता है रोहन, अगर मैं सुमन की गोरी पीठ पर जड़े चार तिलों को अपने होठों से चूम लूं तो तड़प कर आग का गोला बन जाएगी। बोलो रोहन, एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देना और उस पर हमला करना कितना बड़ा जुर्म है मालूम है ना? तुम तो मैं समझता था उससे भी छोटे निकले है? चल। जी साहब, जेल से छूटना है क्या? जी हां, कुछ सामान पहुंचाने का है किसी के घर, पहुंचाएगा? जी। सुले, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। सुले वो सुमन को
तुम जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारा खास दोस्त है, लेकिन प्लीज अब कुछ नहीं होगा डॉक्टर वर्मा। इंदर छुट्टी पर जा रहा है शहर से दूर मेरे कहने पर। क्या? मगर आज ही उसने मुझ पर हमला किया। दो एक दिन की बात है डॉक्टर साहब, उसकी अर्जी मंजूर हो जाएगी, तब तक आप जरा उसकी नजरों से दूर रहिए। सूले, तुम जानते हो वो पगला गया है, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम एसीपी साहब को बता दो जो तुम जानते हो तो। वो जाएगा डॉक्टर साहब, वरना परसों मैं आपके साथ एसीपी साहब के पास चलूंगा। परसों क्यों, आज क्यों नहीं? वो दोस्त है मेरा, वादा किया उसने मुझसे, दो दिन बस। डॉक्टर वर्मा, मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, ना आपके साथ और ना अपने दोस्त के साथ। यस। हेलो सुन साहब, मैं वृंदा बोल रही हूँ। वृंदा तू? सुन साहब, आप जल्दी आ जाइए, वो मुझे मार डालेगा, जल्दी प्लीज। काय सुले, इंदर तू हद से बाहर जा चुका है, चल हट। डर मत, भागेगी नहीं, मैंने इसकी टांगे तोड़ दी। अपने पिस्तौल मुझे दे दे और मेरे साथ चल। मेरी खोपड़ी उड़ा देना यार। इंदर तू सटक गया है। प्लीज सुले, किसी के प्यार का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। इंदर जाग, बाहर निकल अपने वहम से, प्लीज। मैं तेरा साथ दूंगा, दोस्त हूं तेरा। तू गधा है सुले, तू जानता है तुझसे गोली नहीं चलेगी अपने यार पर, फिर क्यों खाली पकड़ धमकी दे रहा है? इंदर चल, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। गोली चलाने वाले सीधे मोटी बात पर आते हैं, ऐसे। वृंदा एसीपी साहब को कुछ नहीं बोलेगी, और तू तू भी अपनी जबान नहीं खोलेगा। आराम से मरना सुले, तेरी मौत पर मुझे रोना है और मेरे आंसुओं को आने में वक्त लगता है। टेलीफोन वाला, सर
वो लोग मेरे यार को निकल गए सर। इंस्पेक्टर सक्सेना, क्या हुआ है यहाँ? शुरुआत हुई है सर, लेकिन कहानी मैं खत्म करूंगा। मुझे डॉक्टर रोहन वर्मा के नाम सर्च एंड अरेस्ट वारंट चाहिए सर। व्हाट? मुझे मालूम है सर, मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, लेकिन सर मेरे यार की खातिर मैंने अपनी सफाई देना ठीक नहीं समझा सर। क्या कह रहे हो तुम? ड्रग्स सर, जो डॉक्टर वर्मा हॉस्पिटल की लैब में बनाते थे सुले को सप्लाई करने, और सुले बृंदा के जरिए उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाता था। सुले? अपना सुले सर, अपना सुले। ना कोई प्यार, ना आदर्श, ना मतलब, सिर्फ इसके लिए सर, इसके लिए। ओह माय गॉड। और वो? उसे पैसों से ज्यादा इज्जत की लालच थी। अगर सुले उसके साथ शादी करने के लिए राजी होता तो आज जिंदा होता सर। ठीक है, चलो पहले ऑफिस चलकर आगे। सर हम कहीं और चलेंगे सर। हम आपके घर की तलाशी लेने आए हैं मिसेस वर्मा। सर्च वारंट इंस्पेक्टर। आप अगर पुलिस का साथ दें तो कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगी। एक्सक्यूज मी सर, आपके घर से आपकी मिसेज का फोन आया था, कोई मिस्टर इंदर आपके घर आए हुए हैं। क्या है मिस्टर रोहन? आई एम सॉरी टू से यू आर अंडर अरेस्ट। सुमन, विशाल को फोन करो। यार अपनी बीवी दे रहे हो मुझे, कुछ तो लो बदले में। यार एक सलाह लेनी थी तुमसे, तुम्हें तो तजुर्बा है। मैं सुमन की मैं उसे खुश कैसे रखूं? बोल ले इंदर, अब तक सुमन तुझसे बहुत दूर जा चुकी होगी। हा, अदालत में केस दर्ज होने तक उसे शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। आज रात रोहन, आज रात।
अगर तूने सुमन की तरफ नजर उठा के भी देखी ना तो मैं तेरा खून खा दूंगा। इट्स टू लेट रोहन, ये मर्दानगी तुम्हें पहले दिखानी चाहिए थी। ओ रोहन वर्मा, तेरे को कोई मिलने आया है? जो कुछ भी हो रोहन, आई लव यू। क्या लगता है विशाल? वेरी बैड। अब तो वो एसीपी भी यही समझता है कि तुमने जो कंप्लेंट लिखाई थी ना इंदर के खिलाफ, वो एक नाटक है। पुलिस से मदद की कोई उम्मीद नहीं। सुमन को अकेला मत छोड़ना विशाल। तू फिक्र मत कर मेरे यार, सुमन ने वैसे भी नीता को रात गुजारने के लिए बुला लिया है। I'll be all right, Rohan. और इंदर, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? कानूनन तो कोई रास्ता दिखता नहीं रोहन, मगर एक रास्ता है। सुले की मौत और बाकी हादसों को लेकर हम अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो एक इंक्वायरी ऑर्डर दे। तब तक हमको, हमारे पास वक्त नहीं है विशाल, ये तो इंदर भी जानता है। वो अपनी चालों से पहले चलेगा। विशाल, डॉक्टर सिन्हा से मिला? वो दवाई लाया? हाँ, यहाँ आने से पहले मैं डॉक्टर सिन्हा से मिलकर ही आया था। वो भी मानते हैं कि इंदर जैसे साइको को खुले में लाना चाहिए, मगर अगर मगर कुछ नहीं विशाल, इंदर को खुले में लाना है तो मेरा आजाद होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आज रात 12 बजे मैं बीमार हो जाऊंगा। रोहन, ये खेल इट्स डेंजरस। सुमन, डरे वो जो हमारे पीछे आने की कोशिश कर रहा है। आज रात सुमन, आज रात। क्या होगा नीता? कुछ नहीं होगा यार, तू देखना कल सुबह तक रोहन भी घर वापस आ जाएगा। रात का ही डर है नीता। तू टेंशन मत ले यार, हम लोगों ने इस घर में इतने ताले और इतनी कड़ियां लगाई हैं कि तेरा घर घर नहीं किला बन गया है। एक काम करते हैं, तू नहा धो के फ्रेश हो जा, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। ओके ओके।
दरवाजा खोलेंगे नेताजी? नेताजी मैं जानता हूं आप सब मुझसे खफा हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, कानून तो कानून है। नेताजी मैं जानता हूं सुमन जी पर क्या गुजर रही होगी, मैं कुछ चीजें लाया हूं उनके लिए, इन्हें तो रख लीजिएगा। ठीक है, मैं इन्हें यही रख देता हूं, आप ले लीजिएगा। हेलो सुमन, नीता सिर्फ दो कप बना रही थी, मैंने भी सोचा फिर तीसरे की क्या जरूरत। सो टी कॉफी और मी मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया? देखा सुमन, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं, लेकिन क्या तुम अपने दिल की बात मानती हो?
ये जो तुम कांप रही हो ना, इस डर में थोड़ी सी भूख भी है, है ना सुमन? सुमन, हमारे प्यार की पहली निशानी आज पहली बार तुमने मुझे छुआ है। तुम्हें नीता की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया ना तुम्हारे पास। जान से मारना आसान नहीं है सुमन, किसी को जान से मारना आसान नहीं है सुमन। यू लव मी, यू मी द गन, सुमन। तुम भी औरों की तरह निकले। आहा!
मैंने बड़ी कोशिश की डॉक्टर साहब, आप मेरे और सुमन के बीच में ना आए, लेकिन आप है कि मानते हैं नहीं। सुमन, मौत की तरह जिंदगी भी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे हम पीछे देखने में क्यों गुजारे हाँ?